आग लगाने वाली जवानी है हमारी, शेर की लड़कियां तो छोड़ो, बाबिया तक दीवानी है हमारी। हमें भी पता है बहुत बुरी मौत मरेंगे, पर साला धंधा दो नंबर का करेंगे। लोगों ने जितना बुरा चाहा, खुदा ने उससे ज्यादा इज्जत दी। दादाजी नू कह करे, बेटा दो रोटी कम खा लियो लेकिन खाइयो इज्जत की, ना तो अपनी इज्जत गवाइयो और ना किसी और की इज्जत उड़ाइयो। इन गुंडों के मूलक के ना कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बातों पे तो बंदूक निकाल लेते हैं। यार फॉर्च्यूनर ना बंदा तब खरीदता है जब उसके पास धाक के पैसा आ चुका होता है और उसको दिखाना होता है ना कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है, तब वो खरीद लेता है फॉर्च्यूनर। हद पार भी हो और हद में ना हो, मतलब जवानी हो और मुकदमे ना हो। मैं किस्मत की मार से डरता हूँ, ना किसी से जलता हूँ, दुनिया से एक कदम पीछे ही सही पर खुद के दम पे चलता हूँ। तुम मॉडिफाइड गाड़ी वाले बंदों को ना लोग हल्के में लेते हैं। अरे हाँ ठीक है, शौक है, क्या हो गया? तो भाई शौकीन बंदों में आते हैं ये। अंदर से रहता है ना एक फॉर्च्यूनर का टोरा अलग है, जैसे थार का एक रुतबा है ना, जैसे फॉर्च्यूनर का नाम ही काफी है ना, चाहे कितनी भी ग्लोस आजी हो, कितनी भी है फोर एंडेवर आजी हो, लेकिन इसका नाम ही काफी रहता है। जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से दो टाइम का खाना मिल जाएगा वो तो सर्कस वाली कहानी। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा। किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था, और पता है इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके पास, और उससे भी बड़ी गाड़ी में उसने अपने गार्ड्स बिठाए। देखो गाइस, ये मेरा भाई है, मेरी जान है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसके लिए कभी भी किधर मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है तू जान। जब देखा पहली बार तेरे थी प्यार तेरे तो हो गया रे, यो टूट ना जाओ ऐसा। Yeah.